जाओ जी मामा बता दो सब्जी फ्रिज में रखी है यार। अम्मी समझ लो यार, कहाँ मुझे नहीं पता है, मुझे क्यों बीच में ले रहे हो आप लोग, समझ लो यार सब्जी कहाँ रखनी है, रख लो। आ गया घूम के फिर के हैं, बता दे चाय रखी है। आप एक काम ही करके आया हूँ, खाली तो फिर के नहीं आया, अब ये लिया हो वो लिया हो, एक ही दुकान का सामान 50 बार बताओगे आप, अब डेयरी का बताओगे, अब दूध लिया, थोड़ी देर बाद बताओगे दही लिया, उसके बाद बताओगे मक्खन लिया, उसके बाद बताओगे क्रीम लिया, यही चलता रहेगा हमारी तो लाइफ में। दफा जमा इस सूरत से, सारा दिन तुम लफंगेबाजी करता रहते हो। पापा सामान लेने गया होता, अभी आ गया हूँ जी, अब नहीं आऊंगा, अब यहीं पे हूँ घर पे। इतने जूता लगाएंगे तुम्हारे दिमाग सेंटर में कर देंगे। पापा ये अम्मी बिना फालतू बड़ा चढ़ा के बोलती हैं, आपको पता है मैं ऐसे तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जाता हूँ सामान लेने जाता हूँ और आ जाता हूँ, ना मैं अपने दोस्तों के पास जाता ना मैं कहीं आता, मैं तो पढ़ता रहता हूँ पापा पूरा दिन। और क्या, मेरा काम ही क्या है, बस बातों को बढ़ाना चढ़ाना ही तो मेरा काम है। और ये बेहुदा लंगूर, इसको कुछ नहीं कहते, इसका तो मैं ऐसी सर्विस करूंगी ना इसकी, रुक जा तू। ये बात सरासर झूठ है, हमने कुछ नहीं कहा था, अब आप बात को बड़ा चढ़ा रही हैं वो और बात है, क्या आप ही जो दिल मारा आप कह जा रही हैं क्योंकि हम चुप हैं। ठीक है कोई नहीं, बस जो भी बात है ठीक है, बस ठीक है। जो दोनों भाई थे कुछ नहीं उन्हें पता था क्या करना है, हमने उन्हें बताया कि क्या करना है जिंदगी में, घूमते फिरता रहता था खाली तुम्हारी तरह बेवकूफ। हाँ हाँ मेरे घर वालों को कहाँ कुछ आता था, मेरे घर वाले तो ऐसे ही उठ के आ गए थे कहीं से भी, इन्होंने ही उन्हें सिखाया। अरे मेरे घर वालों को तो क्या, मुझे भी सब इन्होंने सिखाया, बस मैं एक ही चीज इनसे नहीं सीख पाया और इनके घर वालों से, ताने मारना।